नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां आरोपियों ने पीड़ित से पहले प्यार के झांसे में शारीरिक शोषण किया और जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के द्वारा थाने में आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए, जिसका आशय आरोपी अनुज कुशवाहा ग्राम पेंडारी तनवारी पारा चौकी वाडफ नगर के द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक यौन शोषण किया जा रहा था। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जहां मामला संवेदनशील होने से सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देकर अवगत कराया कि आरोपी पटना में दिनांक से फरार चल रहा है, जगह बदल बदल कर रहा है, जिसकी पता साजी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना मिली है कि आरोपी वर्तमान में डाल्टनगंज झारखंड में है, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर लाल उपेंद्र सिंह के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सुशील नायक, मार्गदर्शन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफ नगर अभिषेक झा के निर्देशों में थाना प्रभारी अखिलेश सिन्हा के नेतृत्व में टीम रवाना होकर मुखबिर की सूचना पर प्रकरण के आरोपी अनुज कुशवाहा को डाल्टनगंज झारखंड से पकड़कर थाना लेकर के पूछताछ कर रही है। एक लिखित आवेदन पेश किया कि अनुज कुशवाहा ग्राम पिंडारी तनवारी का उसके साथ शारीरिक शोषण कर बलात्कार किया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी का पता तलाश किया गया। आसपास पता नहीं चला, पता चला कि डाल्टनगंज में जाकर छिपा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देशन पर टीम गठित कर डाल्टनगंज भेजा गया था, जहां से पकड़कर आरोपी को लाया गया और गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।